कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत महफिल की। क्या बात है तिवारी जी, वाह बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह तिवारी वाह, क्या बात है, क्या मिला के मार रहे हो मास्टर। साहू जी का तो कोई जोड़ा ही है नहीं। वाह क्या मिला के बात, बढ़िया साउंड के लिए धन्यवाद है। कि तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत महफिल की, ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम की, हमें जीना भी यही है हमें मरना भी यही है, महबूब मेरे क्या बात है, महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, हम लोग फिल्मी दुनिया वालों की तरह इतने समझदार तो नहीं है, अपनी धुनें भी नहीं बना पाते, इसलिए उनकी धुनों का सहारा लेकर अपने गीत को रखते हैं। डाउट क्या, लेकिन जो मेहनत हम लोग करते हैं उस मेहनत को सराहते हैं आप लोग। और बाबूलाल भैया गीत के विषय और वस्तु को सुन लीजिएगा, क्योंकि जवाब आपको देना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जवाब बहुत अच्छा आएगा। डाउट क्या, बिल्कुल। अब चूंकि गीत अपनी जगह जो बोल रहा है वो तो उनकी बात है, लेकिन मेरे गीत का विषय है, सुनिए सुनिए। के सम्मान हुआ हुआ क्या क्या, वरदान मिला जो वो श्राप हुआ है, जो श्राप मिला वो वरदान हुआ है। बस गीत में मामला उल्टा है, उल्टा, जो श्राप है वो वरदान बन जा रहा है और जो वरदान है वो श्राप बन जा रहा है। और बस ऐसी कोई बात आपको लानी पड़ेगी और लाएंगे आप, ऐसा नहीं कि मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं, चार प्रसंग मैं ले रही हूँ, 400 आपके लिए छोड़ रही हूँ। ये और क्या, अब पहला टुकड़ा सुनिए और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी सुनिए, आपको भी बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कहां कहां जो श्राप मिल रहा है वो वरदान बन रहा है। एक बार के कई के घर आए हैं, क्या बात है, ओ बेटा क्या बात है बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, कायदा से बेटा कायदा से, आओ बेटा Thank you.
है तिवारी। इतनी इतनी भीषण ठंड में अगर पसीना निकल आए और क्या? तो समझ लीजिए आप सही मेहनत कर रहे हैं। क्या बात है, लीजिए लीजिए मेहनत का फल आ गया। वाह, माथे से लगा लो, हमको दे दो। भैया हमारे अभय राज जी आपकी तरफ से 101 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए ढोलक पर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभय राज भैया सुनिएगा कैसे श्राप वरदान बन रहा है। एक बार केकई जो दशरथ की पत्नी है, जब वो उनका विवाह नहीं हुआ और बहुत छोटी हैं अपने आंगन में खेल रही हैं, एक दिन इनके आंगन में एक ऋषिवर आ गए। और जब केकई के आंगन में ऋषिवर आ गए तो उनके पिताजी ने इनका स्वागत सम्मान किया, भोजन इत्यादि करा के एक कक्ष में आराम करने के लिए भेज दिया, कहा मुनिवर आप इसमें सो जाइए आराम करिए। और मुनिवर जब सोने लगे तो केकई खेल खेल में, बचपने में बच्ची हैं, खेलते खेलते आई और उन्होंने एक काम कर दिया, उन्होंने अपनी सुंगली से मुनिवर की नाभि में गुदगुदी कर उन्हें उठाना चाहा। और जब उन्हें उठाया तो देखिए उन्होंने एक श्राप दे दिया। कहा क्या? क्या? के केकई के घर आए हैं एक दिन मुनिराई, नाभि में केकई ने उनके उंगली लगाई। जब केकई ने उनकी नाभि में उंगली लगाई तो ऋषिवर ने कहा जाओ पत्थर की हो ये उंगली, कहा जाओ तुम्हारी ये उंगली पाषाण की हो जाएगी, कहीं कहीं लिखा है तुम्हारी उंगली वज्र की हो जाएगी। और वही श्राप वही वरदान बन गया जब केकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। और राजा दशरथ देवासुर संग्राम में रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगे तो रथ के पहिए की धुरी निकलने लगी और केकई ने अपनी वही उंगली लगाकर राजा के प्राण बचा लिए। तो पंक्ति मेरी कह रही है क्या? के पत्थर की हो वो अंगुली, ये अपमान हुआ है, वही श्राप मुनिवर का वरदान हुआ है। वरदान बन गया केकई के लिए। हाँ। वही पाषाण की उंगली लगा कर केकई ने अपने पति के प्राण बचा लिए। अब जरा दूसरी जगह देखिए, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर में लादे तीर्थ करा रहे हैं। माता पिता को प्यास लगी, माता पिता ने कहा लाल मेरे लिए पानी ले आओ। श्रवण कुमार उन्हें बिठा कर पानी लेने गए और इधर पानी का पात्र जल में डाला, उधर राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण चला और श्रवण कुमार के प्राण निकल गए। जब प्राण निकलने लगे तो श्रवण कुमार ने कहा कि ये मेरे माता पिता प्यासे हैं, ये पानी उनको पिला देना। राजा दशरथ पानी का पात्र लेकर जब अंधे माता पिता के पास पहुंचे तो देखिए पंक्ति मेरी कह रही है कि अंधे माता पिता को जब आवाज से ये पता चला ये मेरा पुत्र नहीं है तो उन्होंने राजा दशरथ से कहा के हृदय हमारा जलता है, क्या बात है तिवारी जी, शाबाश क्या बजाते ब्रो। नहीं हो सकते इसलिए के हृदय हमारा जलता है, नैना हुए सजल तो जीते जी जो जिया चलाए वो नहीं पिएंगे जल। जी जो जिया जलाए वो नहीं पिएंगे जल। और श्राप दे दिया कि जाओ राजा जैसे पुत्र वियोग में हमारी मौत हो रही है, हमारे प्राण जा रहे हैं, ऐसे पुत्र वियोग में तुम्हारे भी प्राण जाएंगे। लेकिन उस श्राप का वरदान में परिवर्तित ऐसे होना हुआ कि राजा दशरथ के बुढ़ापे तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसी श्राप के कारण एक नहीं चार पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों आ गए। तो पंक्ति कह रही है उस श्राप के कारण ही, बाबूलाल भैया उस श्राप के कारण ही व्यवधान
तीसरा देखिए, तीसरा कौन श्राप दे रहा है और कैसे वरदान बन जा रहा है। नल और नील वो छोटे थे, इसे कहते भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। क्या बात है बेटे, कई सारे लोग चिल्ला रहे हैं। और क्या, नील क्वालिटी। नल और नील जो दो वानर हैं, ये वानर उत्पात मचा रहे हैं। जब ऋषि मुनि जलाशय के पास पूजन करने आते तो यही दोनों वानर उनके पूजन की सामग्री उठाकर जल में फेंक देते, शालिग्राम की बटिया उठाकर पानी में फेंक देते, उनके पूजन में व्यवधान डालते। अब जब ऋषि मुनियों को क्रोध आ गया तो उन्होंने नल नील को एक श्राप दे दिया और वही श्राप वरदान बन गया। कैसे, सुनिए। नल और नील वो छोटे थे, उत्पात मचाते थे, शालिग्राम की पटिया उनकी जल में डुबाते थे। तो ऋषियों ने श्राप दिया कि जाओ, जाओ आज के बाद कोई पत्थर ना तैरे, कोई पत्थर ना तैरेगा, क्षमा करिए, कोई पत्थर ना डूबेगा। अभी बोलते भैया, कहा जाओ नल नील, तुम्हारे फेंके हुए पत्थर जो हमारे शालिग्राम की बटिया तक तुम पानी में डुबो देते हो, आज के बाद तुम्हारा फेंका हुआ कोई पत्थर डूबेगा नहीं, सब तैर जाएंगे। और वही श्राप वरदान बन गया कि वही राम और माँ पत्थर पर लिख दिया और नल नील ने सेतु बंध निर्माण करा दिया। कोई पत्थर ना डूबेगा, ये वचन प्रमाण हुआ है। तब श्राप ऋषिवर का वरदान हुआ रहा है। देखिए बाबूलाल भैया कैसे, कप की आकृति सुनिएगा। एक बार नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, हे हरि, एक स्वयंवर हो रहा है, मैं चाहता हूं स्वयंवर में जो लड़की जयमाल लेकर आगे बढ़े वो जयमाल मेरे गले में पड़ जाए। विष्णु जी ने कहा, क्या चाहते हो नारद? नारद ने कहा, मैं हरि का स्वरूप चाहता हूं, यानी आपका स्वरूप। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को हरि माने मैं अपना स्वरूप दे दूंगा तो इनको घमंड हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ मैंने तुम्हें हरि का रूप दिया, लेकिन वो हरि माने भगवान नहीं, हरि माने बंदर का स्वरूप दे दिया। और जब नारद जी उस विवाह में पहुंचे और वो जयमाल लड़की लेकर आगे आई लेकिन बढ़ गई और आगे, तो नारद जी को क्रोध आ गया। जब उन्होंने जल में अपने चेहरे को देखा तो वो जान गए कि विष्णु भगवान ने मेरा मजाक बना दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा, जाओ 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 हे विष्णु भगवान, होगा क्या, कपि की आकृति देकर की हंसी हमारी है तो मेरा श्राप है, मदद करेंगे यही कपि त्रेता में तुम्हारी है। बनाया है यही बंदरों की सहायता आपको लेनी पड़ेगी। और वही बंदर अगर ना होते तो शायद राम जी अपने काम कैसे पूरे कर पाते। तो मेरी पंक्ति कह रही बाबूलाल भैया,
वानरों के द्वारा से तू निर्माण हुआ है। तब श्राप नारद का वरदान हुआ है। अच्छी धुन आप लाई है जी। अरे तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की। एक मुद्राएं क्षेत्र पंचायत सदस्य भैया कंधई प्रसाद यादव जी ग्राम पूरे भगत गहरी कंधई प्रसाद यादव भाई साहब की ओर से जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं आपकी ओर से एक मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। भाई साहब के लिए हृदय से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बात आई है वरदान मिला वो श्राप हुआ है, जो श्राप मिला वो वरदान हुआ है। ये, 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 ये। मिल रहा है श्राप लेकिन वरदान बन गया है। प्रयास कर रहा हूं बहन क्रांति माला जी आपके गीत के अनुसार कुछ बातें आ जाएंगी। अरे सांप को देकर नारी को बना दिया पत्थर। श्राप को देकर नारी को बना दिया पत्थर के जिसके खातिर आए हैं स्वयं ही करुणा कर। भैया जी जिसके खातिर आए हैं स्वयं ही करुणा कर। क्यों जहां लगन है सच्ची तो भगवान भी वही है।
बात है, बहुत बढ़िया। वो मानो बना एक पहचान बना, संकट का कैसा समाधान बना है, जो श्राप मिला वो वरदान बना है। और जिसके लिए भगवान स्वयं चल करके आए, छुअत सिला भई नार सुहाई, जो श्राप मिला वो वरदान बना है, वो मानो बना ए पहचान बना। हमारे भैया श्री विभूति भैया सविता जी बरहा, इन पंक्तियों पर आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। सविता जी को हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और देखिए, मैं इसी बात से जोड़ रहा हूं दूसरा कथानक के, छली गई है छल से जब गौतम की नारी, वाह येलो भैया, ये कुछ आशीर्वाद प्रदान हुए हैं सम्मान्य पूनम सिंह जी बुआ जी की ओर से। ये 201 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। वाह भैया, राम सिंह जी आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदत्त हैं। सम्मानीय श्री धीरेंद्र सिंह जी बरहा आपकी ओर से 101 मुद्राएं आई हुई हैं। और भैया श्री अरविंद सिंह जी आपकी ओर से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। मैं सभी को सामंडल अपनी ओर से नमन कर रहा हूं, सभी का आशीर्वाद चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे आदरणीय श्री सत्यम सिंह फूफा जी की ओर से जो गीत में जिनका नाम आपने सुना होगा, हालांकि बहन जी ने बताया कि जो मैंने बाबूलाल भैया से नाम सुने वो मैंने लिख करके आपको सुनाए हैं, फिर भी बहन जी बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छा प्रयास। हमारे आदरणीय श्री सत्यम सिंह जी फूफा जी की ओर से ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, मैं हृदय से नमन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है, क्या बात है। और ये एक विशेष पुरस्कार हमारे आयुष भैया जिनके कर्ण वेदन संस्कार पर आज हम आप सभी को आने का अवसर मिला है, ये भैया की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। परमात्मा सदा कृपा बनाए रखे हैं, सदा पग पग पर रक्षक भगवान श्री राम रहे, और परिवार का भैया आयुष नाम रोशन करें, ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आयुष भैया के लिए हमारी ओर से, धन्यवाद। अरे छली गई छल से जब गौतम की नारी, तो क्रोध में आके गौतम ने श्राप दिया भारी, के मन में अपने कीना अरे अनुमान भी नहीं है। बहन क्रांति माला जी, इंद्र को जब श्राप मिल गया कि जा तेरे सहस्त्र भग हो जाएं, इंद्र गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए,
मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। कहा ये पश्चाताप तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ तुम गिड़गिड़ा रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, तो एक समय वो आएगा जब श्री राम आएंगे और सीता स्वयंवर में शिव जी का धनुष तोड़ेंगे, तो उस टूटने की धनुष टूटने की आवाज, वो टंकार जब तुम्हारे कानों में सुनाई देगी, तब ये सहस्त्र भग नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। आज आज इंद्र खुश हो रहे हैं। अरे कोई जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा और वो आवाज कानों में पड़ी, इंद्र के सहस्त्र भग नेत्रों में परिवर्तित हो गए, इंद्र आज प्रसन्न हो रहे हैं। ये श्राप था या वरदान? अरे कोई दो नेत्रों से, कोई चार से, कोई आठ से, कोई दस से दर्शन कर रहा है, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा, आज परम पिता परमात्मा के दर्शन सहस्त्र नेत्रों से कर रहा हूं, जय हो, जो है वरदान बन गया है। अरे मन में अपने कीना अनुमान भी नहीं है, वो मानो बना सम्मान बना, दुखों का सारा निदान बना है, जो श्राप मिला वो वरदान बना है, वो मान बना सम्मान बना। एक टुकड़ा और दे रहा हूं बहन जी। जिस समय रावण ने अत्याचार किया, किसके साथ? वेदवती। वेदवती ने कहा, ए रावण, अरे कीना तूने पाप पाप का तू फल पाएगा। बहुत मेहनत करते हो, शाबाश। के कीना तूने पाप पाप का तू फल पाएगा, पाए नहीं जो आज तो निश्चय ही कल पाएगा। जा, मैं तेरी लंका में आऊंगी। अरे मैं आके तूने घमंड में, मैं आके तूने कीना ध्यान भी नहीं है, लेकिन अनजान बना या जान जान बना, अनजान बना या जान जान बना, क्योंकि आज स्वयं श्री राम जब लंका में पहुंचे तो सोच रहा है क्या, वो पूरा दिल का अरमान बना है, जो श्राप मिला वो वरदान बना है। क्यों क्यों? क्योंकि जिस समय सीता स्वयंवर हुआ था, रावण सब जानता था, कह दिया था, ए राम मस्तक रेखा ये बता रही के पिता मरण वनवास लिखा, हे राम तुम्हारी दाएं भुजा में लंकापति का नाश लिखा, देता हूं आज निमंत्रण में सीधे गढ़ लंक चले आना। वो पूरा दिल का अरमान बना है, जो श्राप मिला वो वरदान बना है, वो वरदान बना है।
कार्यक्रम के मुख्य आयोजक महोदय हमारे आदरणीय भैया जी श्री अभय राज सिंह जी, जिनकी ओर से इस जवाब की पंक्तियों पर ये 501 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया अभय राज जी के लिए, हृदय से नमन कर रहा हूं भैया अभय राज जी को और उनके पूरे परिवार को प्रणाम है, मेरी ओर से आशीर्वाद की कामना है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक एंड बैटरी सर्विस आचार्य नगर लालगंज प्रोप्राइटर हैं भैया राम नारायण, जो लेखक, अच्छा आपने 51 मुद्राएं यानी 51 मेरे लिए और 51 मुद्राएं हमारे रचनाकार आदरणीय मामा विमल विनोदी जी के लिए, ये आशीर्वाद आपकी ओर से आया है भैया श्री राम नारायण जी को हृदय से प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जो श्राप मिला वो वरदान बना है, और आइएगा क्या बात है, साहू साउंड सर्विस कोई जोड़ नहीं, 101 मुद्राएं मैं अपनी ओर